हेलो फ्रेंड्स, जीएस स्पार्क चैनल पे मैं कार्तिकेय मिश्रा, हिंदी एक्सपर्ट, आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये हमारी हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 का डिस्कशन वीडियो है। मैं बताना चाहूँगा, जो लोग नए जुड़ रहे हैं हमसे, उनको ये बताना चाहेंगे कि मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अगर आप यूपी पुलिस, यूपीएसआई या किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ जहाँ हिंदी आती है, वो चाहे एमपी के भी स्टूडेंट हों, हर जगह के स्टूडेंट्स हमसे प्रैक्टिस सेट के थ्रू ऐड हो सकते हैं, और उसी प्रैक्टिस सेट का यहाँ पे सॉल्यूशन कराया जा रहा है। आप इसके पहले की वीडियो हमारी देख सकते हैं जा करके, उसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कि प्रैक्टिस सेट से आपको जोड़ना कैसे है। और प्रैक्टिस सेट से जुड़ने के लिए आपको ये नंबर दिया हुआ है, देखिए ये हमारे ऑफिस का नंबर है ऊपर, और ये प्रैक्टिस सेट से जुड़ने के लिए आपको इस नंबर पर, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। वहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे और हमसे जुड़ जाएंगे। चलिए प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं हम लोग। और सबसे पहले बता दें कि जो भी गर्ल्स स्टूडेंट्स हमारे प्रैक्टिस सेट से जुड़ना चाहती हैं, वो बेफिक्र जुड़ सकती हैं, उनका नंबर सेफ रखा जाएगा। इसलिए जो भी गर्ल्स स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हों प्रैक्टिस सेट में, वो भी जुड़ सकती हैं। आइए दोस्तों, हमने कल शाम को आपको 7 बजे आपको हमने प्रैक्टिस सेट भेजा था। अब हम बात करेंगे उस प्रैक्टिस 1 के सॉल्यूशन के बारे में। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वर्णमाला का ये प्रैक्टिस सेट है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वरों को देखा जाए तो स्वर 3 तरह के होते हैं, एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। एक मात्रिक स्वर किसे कहते हैं? जिसमें एक मात्रा का समय लगे, द्विमात्रिक में 2 मात्रा का समय लगता है और त्रिमात्रिक में 3 मात्रा का समय लगता है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो जब कभी इस तरह का प्रश्न आए ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो बेसिक रूप से हम 2 तरह की ध्वनि जानते हैं, स्वर और व्यंजन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। फिर आता है मूल दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूँ दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, मूल शब्द को हटाकर मैं पूछूँ दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, तब आपको बताना चाहिए 7। कौन कौन से? आ आ, कौन कौन से? आ ई उ ए ऐ ओ औ। लेकिन यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में पूछा है मूल दीर्घ, तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको दीर्घ ही मान लेते हैं। दीर्घ और मूल दीर्घ में अंतर है। मूल दीर्घ की संख्या केवल 3 है, वो कौन कौन से हैं? आ ई और उ। फिर दिया हुआ है द्यावर्ण, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट आ गया है। द्या जैसे हम लोग विद्यालय लिखते हैं, विद्यालय लिखते हैं, तो विद्यालय में जो दया होता है उस वर्ड को पूछा गया है यहाँ पे, तो किसके किसके मेल से बनता है? आधा दा और या के मेल से बनता है। फिर आइए देखते हैं, फिर पूछा जा रहा है 5वां क्वेश्चन, जीभ के आधार पर स्वर को कितने भागों में बांटा गया है। तो जीभ के स्थिति के आधार पर अगर स्वरों को देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ऐसे स्वर जिनको जीभ के अगले भाग से बोला जाता है उसे अग्र कहते हैं, जिनको जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है उन्हें मध्य कहते हैं, और जिसे जीभ के पश्च भागों से बोला जाता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। फिर आता है 6वां क्वेश्चन क्या है। ओठ की आकृति के आधार पर एक किस प्रकार का स्वर है। तो ओठ की आकृति के आधार पर स्वर 2 तरह के होते हैं, एक वर्तुलाकार और एक आवर्तुलाकार। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा ओठ गोला हो जाता है उसे वर्तुलाकार कहते हैं, जैसे ऊ ओ औ। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारा ओठ गोलाकार नहीं होता है उन्हें हम लोग आवर्तुलाकार कहते हैं। तो अगर आप ए का उच्चारण करोगे तो आपका ओठ गोला नहीं होगा, इसलिए इसको आवर्तुलाकार कहा जाता है। आयोग वाह की कुल संख्या कितनी है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि आयोग वाह किसे कहते हैं। अंग और आह की को आयोग वाह कहा जाता है, और आयोग वाह की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। निम्नलिखित वर्णों का उच्चारण स्थान बताइए। उच्चारण स्थान से प्रश्न आता है परीक्षा में बहुत ज़्यादा, हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न जरूर होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, ला का उच्चारण हम लोग दंत से करते हैं, किससे करते हैं? दंत से करते हैं। ई का उच्चारण ई से यज्ञ, ई सा या और ज्ञा, इन सभी का उच्चारण हम लोग किससे करते हैं? तालु से करते हैं। तो ई और सा को तालु से, शा जो खटकोट सा है इसको मूर्धा से बोला जाता है, इसको हम लोग याद कैसे करते हैं? री सा भा और रा को मूर्धा से बोला जाता है। पा, पा को हमेशा ओष्ठ से बोला जाता है, और माँ को नासिक से, जितने भी वर्ग के 5वें वर्ण होते हैं उनको मासिक से, नासिक से बोला जाता है। रा को कहाँ से बोलते हैं? मूर्धा से, बताया जा चुका है।
यहाँ पे हा जो आ रहा है, हा शब्द को कंठ के भीतर से बोला जाता है, जिसे हम लोग काकल भी कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हा को कहाँ से बोलते हैं? कंठ के भीतर से, कंठ नहीं, कंठ के भीतर से। इसीलिए हा को स्वर यंत्र मुखी या काकल वर्ण भी कहा जाता है। और अंतिम में आता है अंगा, अंगा को नासिक से ही बोला जाता है। फिर आता है क्वेश्चन, पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन ला को कहा जाता है और लुंठित व्यंजन रा को कहा जाता है। ये प्रयत्न के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। ये पूरी वर्णमाला हमने पढ़ाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पूरी वर्णमाला पढ़ाई है आपको। वहाँ अगर आप पढ़ लोगे तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन मिल जाएगा। स्वर यंत्र मुखी वर्ण किसे कहते हैं? स्वर यंत्र मुखी वर्ण मतलब होता है हा। ऐसे वर्ण जो हमारे मुख के एकदम भीतर से निकले वही स्वर यंत्र मुखी कहलाता है, और वो होता है हा। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। शहीद वर्ण किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, शहीद वर्ण छोटा आ को कहा जाता है, क्योंकि छोटा आ सभी व्यंजनों के साथ शहीद होता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, का व्यंजन का निर्माण किससे किससे होता है, तो आप कहोगे आधा का और आ से। खा का निर्माण किससे होता है? आधा खा और आ से। तो आ लगभग सभी व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसको शहीद वर्ण कहा जाता है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये बहुत स्पष्ट क्वेश्चन है, कहीं कहीं पे 27 दिखा देता है लेकिन गलत है। स्पर्श व्यंजन की कहे या हम वर्गीय व्यंजन कहें, उनकी संख्या 25 ही होती है, 25 ही होती है। अगर मूल व्यंजन पूछ लिया जाए तो वो 33 होते हैं, लेकिन स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। फिर देखिए मूल स्पर्शी व्यंजन, नया क्वेश्चन आया है ये, मूल स्पर्शी व्यंजन। मूल स्पर्शी व्यंजन और स्पर्शी व्यंजन में अंतर है। मूल स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? अगर हम लोग का वर्ग के शुरू के चार, चा वर्ग के शुरू के चार, टा वर्ग के शुरू के चार और ता वर्ग के शुरू के चार वर्णों को ले लें, तो यही 16 वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारे मूल स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों में से अल्प प्राण कौन कौन से हैं? तो देखिए, अल्प प्राण किसे कहा जाता है? आपको पता है कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण एवं सभी अंतस्थ वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अल्प प्राण में का पहला वर्ण है इसलिए अल्प प्राण हो गया, चा पहला वर्ण है इसलिए अल्प प्राण हो गया, डा कैसा वर्ण है डा भी अल्प प्राण में आएगा, ना कैसा है, ना भी अल्प प्राण में आएगा, क्योंकि ये सभी जितने भी लिखे हुए हैं ये या प्रत्येक वर्ग के क्या हैं? पहले, तीसरे और पाँचवें, इसमें से किसी न किसी में है, इसीलिए इनको अल्प प्राण कहते हैं। वहीं पे महाप्राण अगर पूछा जाए तो महाप्राण इसमें से कौन है? तो महाप्राण दूसरे और चौथे वर्ण को कहा जाता है। तो फा क्या है? पा फा, फा क्या होता है? दूसरा वर्ण होता है, इसलिए महाप्राण है। ला क्या है? यारा लावा। अंतस्थ व्यंजन कभी भी महाप्राण नहीं होता, वो अल्प प्राण आता है, इसलिए ला नहीं रखा गया है। ऊष्म व्यंजन जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे? महाप्राण कहलाएंगे, इसलिए शा को भी हम लोग महाप्राण में रखते हैं, हा को महाप्राण में रखते हैं, भा को पा फा बा भा, भा चौथा वर्ण है इसलिए भा भी यहाँ पे महाप्राण होगा, खा दूसरा वर्ण है इसलिए महाप्राण होगा, धा ता था दा धा, धा भी चौथा वर्ण है इसलिए महाप्राण होगा, और ता पहला वर्ण है इसलिए महाप्राण नहीं होगा। मतलब अल्प प्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा आता है, और महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से द्वित्व व्यंजन वाले शब्द कौन कौन से हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा द्वित्व व्यंजन कहते किसे हैं। जैसे कि अगर दो वर्ण आपस में, जैसे किसी भी वर्ण का आधा अक्षर अगर उसी वर्ण के पूरे अक्षर के साथ जुड़ा हो तो उसी को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे देखेंगे दिल्ली में ला के साथ आधा ला जुड़ा है तो ये द्वित्व हो गई, लेकिन सभ्य में आधा भा या के साथ जुड़ा है तो ये द्वित्व नहीं होगा। अगर आधा भा पूरे भा के साथ जुड़ा होता तब ये द्वित्व होता। इसी तरीके लल्लू में देखिए आधा ला पूरा ला के साथ जुड़ा है, द्वित्व हो गया। उल्लू में आधा ला पूरा ला के साथ जुड़ा है, द्वित्व हो गया। मस्ती में ऐसा कुछ नहीं है, प्रेम कुछ नहीं, महल कुछ नहीं, रमेश में भी कुछ नहीं है, कश्ती में भी कुछ नहीं, तल्लीन में भी आधा ला पूरा ला के साथ जुड़ा है। तो केवल ला अकेले ही नहीं, अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे मैं आपसे कहूँ दिग्गज, दिग्गज में आधा का पूरे गा के साथ जुड़ा है तो वहाँ पे भी द्वित्व होगा। तो द्वित्व का मतलब है कोई भी वर्ण हो अगर अपने आधा वर्ण पूरा वर्ण के साथ जुड़ जाए तो उसे हम लोग द्वित्व कहते हैं। अर्धस्वर क्या होता है? अर्धस्वर या और वा को कहा जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये। अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो
प्रत्येक वर्ग के जो पांचवे वर्ण होते हैं उन्हें अनुनासिक कहा जाता है, तो इनकी संख्या पांच है, जैसे अंगा, इया, अड़ा, ना और मा। उदित व्यंजन किसे कहते हैं? तो ये नया कोई वो नया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पे नाम को चेंज करके नया बना दिया गया है। जो भी हम लोग ऊपर पढ़े थे स्पर्श व्यंजन की संख्या, उसी को उदित व्यंजन भी कहा जाता है। इस बात को आप लोग कहीं पे नोट कीजिएगा कि उदित व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन को ही। स्पर्श व्यंजन 25 हैं तो उदित व्यंजन भी 25 ही होंगे। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है बताया गया है मेरे वीडियो में भी, वर्णमाला की वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं कार्तिक मिश्रा हिंदी के नाम से। चार होते हैं छत्र, ज्ञा और स्रा। संयुक्त स्वर नया क्वेश्चन ये भी निकल के आता है। संयुक्त व्यंजन सब जानते हैं लेकिन संयुक्त स्वर जल्दी कोई नहीं जानता, तो यहाँ पे संयुक्त स्वर भी चार होते हैं, ए ओ ए ऐ ओ औ। ये आ और ई से मिलके बनते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, संयुक्त स्वर। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है, 52 है, 52 है। हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। हिंदी में मूल स्वर पूछा है तो मूल स्वर चार होते हैं, आ आ आ ई ऊ री, ये चार होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको शाम 7 बजे नई प्रैक्टिस सेट मिलती है, कल भी आज भी मिलेगी आपको, रोज़ शाम 7 बजे मिल जाएगी। इसका सोल्यूशन दूसरे दिन हमारे GS Spark चैनल पे होता है। ग्रुप से जुड़ने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे कार्तिक मिश्रा हिंदी एक्सपर्ट के नंबर जो है, मेरा नंबर है ये 87-65-55-69, इस पर व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम और एड्रेस और हमारे प्रैक्टिस सेट से आप जुड़ जाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क है, किसी तरह का कोई शुल्क नहीं है। जो भी गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं जुड़ रही हैं वो भी इसमें जुड़ें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लाभ अधिक से अधिक लोगों को हो, गर्ल्स के नंबर सेफ रखे जाएंगे। ओके दोस्तों, हम आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, इसमें मेहनत लगती है, टाइपिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, तो आपका ये प्यार और अगर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो हम निरंतर अच्छे करते जाएंगे। GS Spark चैनल पे मैं कार्तिक मिश्रा हूँ, मेरी पूरी टीम और हमारे शशिभूषण सर सब के सब लगे हुए हैं ताकि आपको अधिक से अधिक सुविधा प्रदान हो सके। ओके दोस्तों, अब हम मिलेंगे नए डिस्कशन वीडियो के साथ। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होगी इस मेरे इसमें से तो आप व्हाट्सअप कीजिएगा और वेट कीजिएगा, 10 से 11 के PM उसका आपको जवाब दिया जाता है। ओके दोस्तों, बाय बाय।